हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट, तो दिक्कत नहीं। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट, प्लेन चार्ज शीट। शीट जानता है, शीट थिन पेपर। जैसे कि मान लो कि एक पतला पेपर है, ठीक, ये तो थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन इसको भी तुम पतला कर दो, थीन पेपर समझता ही होगा। थीन पेपर से ही पतला, ठीक। यानी कि ऐसा पेपर जो आर पार कंप्लीट दिखाई नहीं दे, आर पार दिखाई नहीं दे, लेकिन दो लेयर के बीच का डिस्टेंस एकदम निगलिजिबल। कहने का मतलब है कि अगर इस पर हम चार्ज देंगे इसे प्लस चार्ज आएगा, माइनस देंगे तो माइनस आएगा, इस पर चार्ज देंगे इसका इफेक्ट इधर भी होगा और उधर भी होगा, इसका इफेक्ट किधर होगा, दोनों तरफ होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ होगा। एकदम पतला है, जैसे मान लो कि कोई नटखट बालक होगा तो वो अपने पापा का साइन का डुप्लीकेट करता है, तो उसके पापा कहीं साइन कर देते हैं, वो वहां पर थीन पेपर रख देता है, उसके ऊपर से पेंसिल चलाता है और प्रैक्टिस करता है। समझ में आ गया? खैर तुम लोग नहीं करना, लेकिन तुम लोग समझ में आ गया। एकदम सीट पतला, ठीक। तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, बहुत दूर नहीं, नियर। नियर का मतलब इसके आसपास, नियर का मतलब इसके आसपास। तो बोर्ड में पूछता है तो इसको लिख लो, लेकिन इसका रिजल्ट जो है बहुत काम आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। लिखो, कुछ लिखो, देखो लेट अस कंसीडर, लिखते रहिएगा, एक प्लेन सीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी सिग्मा। मान लो कि कोई सीट है जिसका डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, यानी कि सिग्मा इस पर क्यूब बाय एरिया, जहां ए हो गया प्लेट एरिया ऑफ सीट। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। प्लेट एरिया का मतलब हुआ जैसे कि मान लो कि ये है, इस पर क्यूब डाल दिए तो इसका एरिया मतलब ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, चार्ज बाय लेंथ इनटू ब्रेथ, ये चार्ज बाय एरिया। अगर सर्कुलर होता तो चार्ज बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पतला है, ओके। तो सिग्मा को कह सकते हैं क्यू बाय एरिया। जनरली आपको देगा इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। बोलो क्यों? इसलिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का नजदीक में, तो नजदीक के लिए कोई भी एरिया बड़ा ही होगा। नहीं समझा? जैसे कि आपका बोर्ड है, तो बोर्ड है, मान लो कि यहां से यहां मान लो थोड़ा दूर है, ये 5 फीट है मान लो, और यहां से यहां 4 फीट है, इसके लिए कितना होगा, 20 स्क्वायर फीट, ठीक। लेकिन हमको अगर यहां निकालना है तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉरी बड़ा होगा लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर यहां निकालना हो एकदम जस्ट सटा हुआ नहीं, जस्ट बगल में हो, वैसी स्थिति में यह एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा था प्लेन चार्ज शीट, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
नियर दिस सीट, इस सीट के बगल में इलेक्ट्रिक निकलता है, ठीक। अब क्या करो, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन इमेजिन करो, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन इमेजिन करो। तो ये जो का सिलेंडर होगा, कहने का मतलब हुआ ये सीट है, इसके लिए सिलिंड्रिकल इमेजिन करो। रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं आप, सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा ढंग का आ जाएगा, थोड़ा ढंग का रिजल्ट आ जाएगा। चलो सिलिंड्रिकल इमेजिन कीजिए, पैराग्राफ सेंड करो, वी इमेजिन ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डीएस, डीएस कहो या डीए कह दो, डीएस ही कह देते हैं। मान लो कि इसका सरफेस एरिया डीएस है, ठीक। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स फाइव कितना, ध्यान देना यह आपका प्लेन चार्ज शीट है। क्या है प्लेन चार्ज शीट, समझिएगा प्लेन चार्ज शीट है। यह देखने में इतना दूर है लेकिन रियल में यह बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, और बताए थे कि एरिया वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। याद करो एरिया वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। फ्लक्स चैप्टर में ही शुरू में ही फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए दिक्कत है तो। एरिया वेक्टर प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर आप इस पर इमेजिन करते हैं तो यह एरिया ऐसे हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होगा, कितना एंगल होगा, 90। यहाँ देखो अगर एरिया वेक्टर ऐसे मानते हैं तो इलेक्ट्रिक इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक भी इधर हो जाएगा, कितना एंगल हो गया, 90। अगर यहाँ मानते हैं तो एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक भी इधर हो जाएगा, कितना एंगल हो गया, 90। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक भी इधर है और एरिया भी इधर ही है, तो सब मिला यहाँ का होगा E dot ds, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, E dot ds, यह 90 डिग्री पर है। फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फ्लक्स क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो होगा प्लस जीरो होगा प्लस जीरो होगा प्लस जीरो होगा प्लस E dot ds। अब जीरो मत काउंट करना कि सर तीन हो गया, यहाँ कितना है, अरे पूरा अनंत हो जाएगा जो भी सरफेस होगा, समझ में आया। तो फ्लक्स मात्र होगा इससे और इससे और फाइनली हो गया 2E.ds। स्केलर है, लिख लिखिए, देखो थ्योरेटिकल है फिलहाल, लास्ट में बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट को निकाल लेते हैं, शुरू का 10 मिनट। हाँ आप देखो, बट फ्रॉम गॉसियस स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट देखो गॉस का क्या कहता है, बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, गॉसियस सरफेस के अंदर, किसके अंदर, गॉसियस सरफेस के अंदर। तो बताओ ये सिलेंडर है, पूरे पर चार्ज है उससे मतलब नहीं है, पूरे पर चार्ज है उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमको सिर्फ इतना से, सिर्फ इतना से। तो ये कितना होगा, सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो यह अगर एरिया डीएस है, यह भी एरिया डीएस है, यह भी एक ना जगह डीएस, तो इस एरिया में जो चार्ज होगा उसी को लेंगे,
ध्यान दो, इस एरिया में चार्ज होगा उसी को लेंगे, इस एरिया में जो चार्ज होगा उसी को लेंगे। सिग्मा क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी इनटू एरिया, चार्ज इनक्लोज्ड। ओके, ये हो गया सेकेंड, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, लेकिन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखो 2EdS इज इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें, तो ds कट जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर प्लेन चार्ज शीट कितना हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रहे कितना डिस्टेंस पर लिए हैं ये चर्चा नहीं है, यानी कह सकते हैं इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ठीक नहीं है, लिख लो इसको। तो क्यों नहीं बताते हैं, बताते हैं। देखो सब लिख लेना, रिजल्ट याद रखना, हम कहना चाह रहे थे कि ये आपका प्लेन चार्ज शीट है। क्या है प्लेन चार्ज शीट? क्या है प्लेन चार्ज शीट? यहां आपका सिलेंडर था, यहां फील्ड कितना आया है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां भी कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर नहीं होगा, तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म नियर दिस प्लेट, नजदीक में यूनिफॉर्म होता है, दूर में यूनिफॉर्म नहीं होता। तो यह आपका दूर हो गया, यहां फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। लिख देते हैं, यहां फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, बोलो, क्योंकि वह पॉइंट बहुत दूर है, बहुत दूर है, यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, सही है, लेकिन नजदीक में ही दूर में डिपेंड करता है। ओके, ठीक, लिख लो नोट में, लिखो नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर दिस प्लेट इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन, ठीक है, नियर जुड़ा हुआ, ध्यान दें नियर, नजदीक में इंडिपेंडेंट होता है, नजदीक में इंडिपेंडेंट होता है, दूर में डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, लिख लिया होगा, मिटाते हैं। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ, अगला टॉपिक लिखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर थिक, मतलब मोटा कंडक्टिंग प्लेट, मोटा प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मोटा के बदला मोटा, ठीक है। ये मान लो कि कोई मोटा प्लेट है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मोटा प्लेट है, इस पर कोई चार्ज डाला हुआ है प्लस की, किताब की तरह से सिग्मा है क्यू बाय एरिया, क्यू सरफेस है, चार्ज डेंसिटी,
टीवी गाना पूछता है बोर्ड में, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे ख्याल से हम तभी लास्ट टॉपिक है, शायद वो कोरोना डिस्चार्ज है खत्म, लेकिन अभी लेक्चर चलेगा तो तीन क्लास, तब वर्मा जी को मेरे पर कराएंगे तो मैक्सिमम तीन क्लास मान लो। तो सिग्मा क्या है, सर्विस चार्ज एजेंसी क्या है, सिग्मा सर्विस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सर्विस चार्ज एजेंसी कुछ भी को लेटेस्ट कर जी का ए थिक कंडक्टिंग प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यूब एरिया, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर दिस प्लेट, प्लेट के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक। सेम कहानी, पैराग्राफ चेंज करो, वी इमेजिन ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डीएस एज शोन इन फिगर फिगर, ठीक है। देखो यहां पर एक लो सिलिंड्रिकल हेलो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एक टर्न फिर आ गया नियर, नियर सब जो है बड़ा खतरनाक है, नजदीक में निकालना है, दूरी थोड़ा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूरी ज्यादा हो जाएगा तो सबका कंसेप्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नियर लेना है कि यह पार्ट बाहर आ गया और यह पार्ट ठीक प्लेट के भीतर चला गया। अब समझ लो कि अगर इतना पतला प्लेट होगा तो इसको ऐसा इमेजिन करना है कि इसका कुछ पार्ट भीतर रह जाए, चलते समझ जाए मोटा मान लो, तो कुछ मोटा हो गया ना, तो ऐसा इमेजिन करना है कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट इस मोटा के भीतर ही रह जाए, समझ गया। तो यह पार्ट भीतर ही पार्ट बाहर है, तो हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं एरिया डीएस होते हैं, सही है। यहाँ पर अगर मानते हैं तो एरिया ऊपर हो जाएगा, तो पढ़े ना प्लेन पर परपेंडिकुलर और फील्ड इधर हो जाएगा, यहाँ पर मानो तो एरिया नीचे हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर, अब फील्ड इधर है, यहाँ पर फील्ड ही जीरो है, कल पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है जीरो, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई। देखो यह फील्ड जीरो आए इसलिए फ्लक्स जीरो हो गया, यहां पर एरिया फील्ड पर परपेंडिकुलर है इसलिए जीरो हो गया, यहां भी फील्ड एरिया पर क्या है परपेंडिकुलर इसलिए फील्ड जीरो हो गया, जीरो हो रहा है, ठीक है। अब प्लस यह ई टू डी एस कहने का मतलब यहां लिए तो 90 डिग्री, यहां लिए 90 डिग्री, यहां लेंगे 90 डिग्री, कहीं भी लेंगे सिलेंडर के सरफेस पर तो फ्लक्स क्या हो जाए जीरो, फ्लक्स हो कितना ई डॉट डीएस, आज कितना होगा ई डॉट डीएस, ओके लिख लो इसको लिखो। बट फ्रॉम बॉसेस स्टेटमेंट्स उबना नहीं, आज कुछ खींचेंगे
अब खिंचेंगे क्या, 30 मिनट 50 मिनट तक वो उब जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर छोटा सा डालिए, जो बोले हमें सुन भी रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। देखो बट फ्रॉम बॉसियस स्टेटमेंट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लश क्या आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाय फ्लो नॉट, बताओ चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो बताओ यही ना गॉसियन सरफेस है, बोलो जिसको हम इमेजिन करते हैं गॉसियन, और जो दिया आता है रियल, समझना क्या है। तो सिलिंड्रिकल हम लोग इमेजिन किए हैं, क्या किए हैं इमेजिन किए हैं, इसलिए वो गॉसियन हुआ। आगे तो ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया डीएस है, जो एरिया डीएस माने देंगे डीएस सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करो, कंपेयर करो, एक फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, ई डॉट डीएस, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम लॉजिक, यह भी इंडिपेंडेंट है पोजीशन से, मिटा देते हैं, लिख लेना, लिख लो मिटा दें। एक और नोट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर कंडक्टिंग प्लेट, ठीक लिखो या कंडक्टिंग प्लेट, व्हाट अ सीट या प्लेट है अंदर है, कंडक्टिंग प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, यह भी क्या होता है बोलो, ऑल्सो यूनिफॉर्म क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, यह यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म होता है। आगे बढ़े, ठीक, कहां नियर दिस प्लेट, नियर दिस प्लेट, प्लेट के आसपास ही यूनिफॉर्म होता है, दूरी पर है तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो खैर इसका यूज नहीं है, अगर एग्जाम पूछे ले लेना, नहीं तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन याद रखना। ओके लिखो, देखो तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, चलिए हम लोग कल पढ़े थे, जानो कल पढ़े थे कि यही अपना जानो सेल है, सेंटर को कोई क्यू डाल दिए और बाहर जो है बच्चे मोटा सेल मालूम, ठीक इतना मोटा सेल क्या है, मोटा सेल मोटा है, मोटा है, मोटा है, मोटा है। ओके अगर यह सेंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्यू इज प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होगा। कल हम यही पढ़ा के लास्ट किए थे और हमको लगा था कि बच्चा को समझ में नहीं आया, इसलिए रिपीट कर देते हैं, समझिएगा। तो ठीक है, तो इनसाइड द सेल
इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हमने पढ़ाए थे स्फेरिकल सेल पर चार्ज क्यों डाल दिए तो फील्ड क्या होता है, जीरो या नहीं है, या नहीं है। एक अनचार्ज सेल है, क्या है अनचार्ज सेल, क्या है अनचार्ज सेल, ये बोलते हैं अनचार्ज। अनचार्ज सेल के सेंटर पर फील्ड चार्ज डाल दिए तो फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड में रेडियली आउटवर्ड, अब डायरेक्शन मत काउंट करना, डायरेक्शन लेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर डायरेक्शन लेगा तो हमेशा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऐसे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता ही नहीं, तो मैं सेल से डायरेक्शन कर ठीक, और डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है रेडियली आउटवर्ड, और यहां भी आउटवर्ड नहीं होगा। ध्यान दो, यह अगर प्लस की हुआ है, ध्यान देना, यह अगर प्लस की हुआ है लिखा मत करो, यह अगर प्लस की हुआ है तो यहाँ पर माइनस की होगा, इक्वल क्रिएट कर, यहाँ प्लस की हुआ यहाँ पर क्या होगा माइनस की होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस की होगा, फिर से यहाँ प्लस की हुआ है कितना, यहाँ प्लस की हुआ है अभी 15-20 मिनट और पढ़ो, यहाँ प्लस की हुआ है यहाँ पर क्या होगा माइनस की हुआ है, यहाँ प्लस की यहाँ पर क्या माइनस की हुआ बोल, यहाँ पर क्या होगा प्लस की हुआ। प्रूफ किया था कल की जो चार्ज यहाँ पर है बाहर चलाता है, वो कहानी खत्म। आगे देखो, अगर चार्ज सेंटर पर है, कंसेप्ट है, अगर चार्ज कहाँ पर है सेंटर पर है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और यहाँ पर प्लस की हुए तो यहाँ पर माइनस की होगा, यहाँ पर प्लस की होगा, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर फील्ड हमेशा जीरो होगा, तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे बोलो कि इसमें का इलेक्ट्रॉन तब तक किनारा में आएगा जब तक कि अंदर फील्ड जीरो ना हो जाए, या उलट के बोलो फील्ड को जीरो करने के लिए ही इसके बराबर चार्ज आ जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्शन इन कंडक्टर, यह डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यह इंसुलेटर नहीं है, यह कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है, प्योर एल्युमिनियम हो, प्योर कॉपर हो, प्योर गोल्ड हो, कंडक्टर है। बोलना नहीं समझे, तो इसमें जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है तब तक जमा होगा जब तक कि यहां फील्ड जीरो नहीं हो जाए। लिखो अगला एग्जांपल, सब कंसेप्ट है, रात में सोने के समय चार बार पढ़ेगा मन में, इमेजिन करें कल का क्या बताए थे, सोचो इफ चार्ज क्यू इज नॉट प्लेस्ड, is not placed at the center of cell, center of cell, cell का center पर नहीं रहेगा, जैसे खाने का मतलब यह चार्ज सॉरी सेल है, ये तो मोटा कर देते हैं, तो वो सेल क्यों बोलते हैं कि रियल में हम लेते हैं यही, इसके इसमें समझाने तो बनेगा नहीं, क्या करते हैं सब हम जूम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, जूम करते हैं और कुछ करते होते नहीं, इस लेयर को मोटा कर देते हैं। अगर ये अनचार्ज है, अनचार्ज अगर चार्ज सेंटर पर नहीं हो, सेंटर पर नहीं हो, सेंटर यहां पर मतलब यहां पर ठीक, इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ठीक है, तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि यहां का डेंसिटी ज्यादा हो जाए, जहां नजदीक होगा चार्ज का, जो पार्ट चार्ज के बहुत नजदीक होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जमा हो जाएगा, अच्छे प्लस चार्ज है समझना क्या, और जैसे दूर जाएंगे डेंसिटी कमेगा, बहुत दूर पर होगा ही नहीं, बहुत कम ना के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ऐसे आएगा,
क्या मतलब हुआ? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं होगा, प्लस या प्लस ध्यान दो, ध्यान देना, अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी यूनिफॉर्म नहीं होगा, दोनों अंदर है। अगर सेंटर पर डालेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन सेंटर पर नहीं डालेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ओके, लिख देते हैं, ये तो समझ गया, लिख देते हैं, तुम लोग लिखो, हिंदी में लिखो, तुम लिखो, अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, बट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर माइनस क्यू ही होगा। बार बार क्या पढ़ रहे हैं सर? यहाँ प्लस क्यू के बारे में बोलो, माइनस क्यू, तो यहाँ चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम जाएगा, कम जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज मिलाएंगे तो वह माइनस क्यू ही होगा। समझ आएगा एक कंसेप्ट? लेकिन बाहर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही होगा। कल बताए थे, यहाँ तो रहता नहीं, पढ़ता तो है नहीं, रिवाइज करने के लिए करता है, पढ़ता नहीं है। अगर यह तिरछा होता, अगर यह तिरछा होता, अगर यह तिरछा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट बताए थे, टेंशियल है रेडियली आउटवर्ड, एक क्या होगा टेंशियल, एक क्या होगा टेंजेंशियल है रेडियली आउटवर्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देगा और इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देगा, करंट होगा। तो सुनो, कोई लोहा कहीं रखा हुआ छूटो करंट मार देगा, ऐसा होता होता नहीं है। निकालने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड ही होता है, दोबारा नहीं बताएंगे, समझ गया? ठीक है, लिख लो बेटा ने, हाँ बात बोल दी, भूल गया भूल गया, यहाँ पर फील्ड हमेशा जीरो है, फिक्स है, नहीं हो कहीं भी फील्ड क्या होगा जीरो एकदम तय है, यानी कि फील्ड को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन इतना ड्रामा किया है, समझ गया? यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा यूनिफॉर्म, 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 अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ यूनिफॉर्म, ठीक है। मान लो अंदर कोई कह के ऐसे चलाएगा तो, और ऊपर से सब सुंदर लगेगा गोल, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चार्ज यहाँ डाल दो तो जो नजदीक का डेंसिटी ज्यादा, दूर से कम, फिर ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा ज्यादा कम, 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 जो पार्ट नजदीक है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, दूर जाएगा कम होगा, लेकिन टोटल चार्ज मिला करके वह माइनस क्यू ही होगा। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, बोलो नॉन यूनिफॉर्म, बट टोटल चार्ज माइनस क्यू ही होगा। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक जो होगा हमेशा रेडियली आउटवर्ड फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हम पहले बता दें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तिरछा होगा सीधा अधीर, तो इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट कर देगा, हर चीज करंट मारेगा, लोहा छुए करंट मारेगा, सोना छुए करंट जाएगा, सोना का दुकानदार सोना के दुकान पर सोना दीजिए 5 किलो, लॉकडाउन है 5 किलो गया, 5 ग्राम का पैसा नहीं है, 5 किलो सोना दीजिए, तो दुकान में सर है दिखाइए छुए करंट मारे,
क्या सुना दिया सोना करेंट मार रहा है लेगा सोना सब आ गया दुकानदार दुकान खाली ऐसा माएगा एकदम मीडिया है ना ऐसा सोना में करेंट मार रहा है होता होता नहीं ठीक इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही होगा ओके यहाँ भी तुम फील कैसे भी करेगा कुछ भी करेगा ऐसे आएगा जैसे हो मन हो समझ में आ गया जैसे हो गया ओके तो आज इतना ही रहने दो पढ़ना दो तीन क्लास और लेंगे दो क्लास और इसलिए मेरी कल अच्छी बोलूंगा तीन क्लास में खत्म घुमा फिरा के चार क्लास ओके बाय।